प्यारे बच्चों, आज क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट थ्री, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं और आर एस अग्रवाल या आईडी शर्मा की बुक में मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का करने का कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट राइट द गिवन टर्म्स। तो रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट थ्री। हम इसमें लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट साथ साथ लेकर के चलेंगे। अब इसमें डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट तो बहुत सिंपल है, रूट थ्री प्लस वन लिखा हुआ है, तो जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो रूट थ्री माइनस वन होगा। अगर यहां रूट थ्री माइनस वन लिखा होता डिनोमिनेटर में तो रूट थ्री प्लस वन हो जाता। तो यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। जो कॉन्जुगेट होगा डिनोमिनेटर का उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा रूट थ्री माइनस वन, और इसका जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा वो फिर से वही होगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट थ्री। इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यहां पे जो हमारे पास ये जो टर्म लिखा हुआ है और ये यही कॉन्जुगेट थे और हमने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये दोनों सेम टर्म है तो ये बनेगा रूट थ्री माइनस वन होल स्क्वायर अपान ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और राइट साइड का पार्ट एज इट इज लिखते जाएंगे। अब हम न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन रूट थ्री स्क्वायर, ये बनेगा थ्री और वन स्क्वायर वन होगा इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट थ्री। इसको हम लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करते जाएंगे, राइट पार्ट को एज इट इज कॉपी करते जाएंगे। रूट थ्री स्क्वायर थ्री होगा और वन स्क्वायर वन माइनस टू रूट थ्री अपॉन थ्री माइनस वन टू इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट थ्री। इसके बाद 3 प्लस वन ये हो जाएगा 4 माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट थ्री। यहां पे कॉमन ले लेंगे, यहां पे दिखाई दे रहा कि यहां पे 4 है यहां पे 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में न्यूमरेटर में आएगा 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2, ऊपर कॉमन लिया तो 2 माइनस रूट थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट थ्री, ये 2 कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो फाइनली आया, अगर हम इसको लिखते हैं ए माइनस बी रूट थ्री इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री, ये टर्म और ये टर्म हमने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया। तो अब लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, इसको जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ गई, तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू, एक्चुअल में सेकेंड पार्ट अगर पूरा पूरा कंपेयर कर लेंगे तो माइनस बी रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। अगर हम ऐसे देखें रूट थ्री माइनस, तो अब b इज इक्वल टू 1 आ गया, तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 इसका फाइनल आंसर होगा। वीडियो पास करके इसका सॉल्यूशन आप नोट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।